नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। लूट का हुआ खुलासा, लूट के माल के साथ तीन अभियुक्त हुए गिरफ्तार। खबर चंदौली के धानापुर थाना क्षेत्र से, जहां पुलिस ने लूट के जेवर के साथ तीन अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिनके पास एक तमंचा, 303 बोर तथा एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया। रविशंकर मिश्रा के स्पेशल थानापुर थाना क्षेत्र में दो चोरियां हुई थी। 380 का मुकदमा लिखा गया था, मुखबिर को लगाया गया था। मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने चोरी होना स्वीकार किया, और जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो चोरी में जो भी माल गए थे उसको उन्होंने बरामद कराया। इनके पास से पीली धात की दो अंगूठी और एक नथनी बरामद हुई है, सफ़ेद धात का एक पायल, दो का जोड़ा और एक करधनी बरामद हुई है। अभियुक्त हैं रमेश बिंद, जिनके पास से एक तमंचा 303 बोर का बरामद हुआ और एक जिंदा कारतूस बरामद हुई है। ये तीनों धानापुर क्षेत्र के कवई पहाड़पुर गांव के रहने वाले हैं, और दोनों चोरियों में इन्होंने जो है स्वीकार किया कि उनके द्वारा की गई है, और भी इनके द्वारा पहले का भी एक दो मुकदमे चोरी के संबंध में ही लिखे गए हैं धानापुर और दीना में। तो इस तरह से ये घटना का अनावरण हुआ और माल की बरामदगी हुई। अब इनको इन मुकदमे में जो है गिरफ्तार करके और 315 का एक मुकदमा लिखा गया और पूरे मुकदमे में इनको जेल भेजा जाएगा।